नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर क्रिएटिव चैनल गौरीज क्रिएटिव स्किल्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कार्ड मेकिंग फॉर न्यू ईयर्स। तो यहाँ पर मैंने A4 शीट की पेपर इस तरह से ले ली है और इसे ब्लीच से स्लिट कर लिया है। अब इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे कार्ड शेप में और इसके बाद हम इसमें वर्क करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा सा इसे फोल्ड कर लिया है ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ते हुए और इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक स्लैंटिंग कट्स लगाते चलेंगे पूरा टॉप तक। इसे अब हम वापस से अनफोल्ड कर लेंगे और इसके बाद जितनी भी सेकंड वाली है उसे इस तरह से कुछ हम ऊपर की ओर करते चलेंगे। ये मुझे अंडरनीथ करना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ये मैंने ऊपर की ओर फोल्ड किया फिर इसे अंदर की ओर डाल दिया। ऐसे करने से ये ज़्यादा सिक्योर हो जाती है और हमें पेस्टिंग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह से हम पूरे करते चलेंगे इवन नंबर्स में और इसे इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब फ्लावर्स हम बहुत ही ईजी बनाने वाले हैं, ये बिगनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बस हमें स्केच पेन की सहायता से यहाँ पर इस तरह से स्ट्रोक्स लगाते चलना है। 2-3 कलर में ये ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने रेड और ऑरेंज का सिर्फ यूज़ किया है, आप अदर कलर्स भी ले सकते हैं। और लीव्स के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी सिंपल से मैंने यहाँ पे इसे बस कंप्लीट कर लिया है। बस हमें ऊपर से नीचे की ओर सिंपल स्ट्रोक्स लगाते चलना है स्केच पेन से और हमारा देखते ही देखते ये पूरा फिगर कम्प्लीट हो जाएगा। नीचे में इसमें थोड़ा सा श्रब लुक और डीप हेवी लुक दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे डीप कलर्स का यूज़ किया है, ब्राउन और ब्लैक का। तो इस तरह से यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है और ऊपर में बस हम अपना नोट्स लिख देंगे। यहाँ पर आप ईयर का भी मेंशन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं किया है लेकिन स्पेस उसके लिए भी छोड़ दिया है। एंड इट्स रेडी नाउ। डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं टू ब्यूटिफाई इट। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर मैंने ये कार्ड भी बहुत ही सिंपल रखी है और ये डोर स्टाइल है तो इसे इस तरह से ओपनिंग इसकी रखी है और इसके बाद हम एक अनदर कार्ड छोटी सी बना करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसे बिल्कुल हम डोर का शेप दे देंगे बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद इसे फेवी स्टिक या फेविकॉल की हेल्प से इसे हम अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। ओल्ड डोर इफेक्ट वाली लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे लाइट और डीप शेड्स का यूज़ किया है ब्राउन येलो और ब्लू में और इसे कंप्लीट कर लिया है बस स्केच पेन की ही हेल्प से। और ये लास्ट में काफ़ी ब्यूटिफाई होकर के उतरती है और ये काफ़ी इजी टू मेक है, इसीलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने लाइव कार्ड मेकिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर किया था क्रिसमस से रिलेटेड, तो आप वो ऊपर आई बटन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, आप उससे जाकर के देख सकते हैं ये वीडियो देख लेने के बाद। और फ्रेंड्स अगर आप क्राफ्टिंग वीडियोस पसंद करते हैं तो मेरे आप अदर वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने उनके प्लेलिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस कार्ड, यहाँ पर मैंने देखिए डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं इसे इन्हेंस करने के लिए। इसके साइड्स में फ्लावर्स वगैरह जो होती हैं वो काफ़ी सुंदर लगती हैं देखने में, इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है। आप चाहे तो वॉल इफेक्ट भी दिखा सकते हैं इसके साइड्स में लेकिन उससे ये ज़्यादा फिल हो जाती तो वो उतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है लेकिन आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही मुझे यहाँ नीचे में नोट्स लिखना है इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है। फ्रेंड्स एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट लेने के लिए आप Gauri5149 कोड का यूज़ कर सकते हैं इट्सी बिट्सी पे और अपने मनपसंद क्राफ्ट्स का शॉपिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ये देखिए ऑयल बेस्ड मार्कर पेंस का यूज़ किया है, ये कैमरे में उतनी अच्छी हाईलाइट होकर के नहीं आ पा रही है। और साथ ही यूज़ की है ब्लैक कलर की माइक्रो फाइन लाइनर पेन और इसे हाईलाइट कर लिया है। इस तरह के आर्ट फॉर्म्स अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके चेक और परचेज दोनों कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा लास्ट में और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करते हुए ताकि आपको इस तरह के DIY आइडियाज़ हमेशा मिलते रहे सबसे पहले। यहाँ पर मेरा न्यू ईयर वेलकमिंग कार्ड भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।